नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पंजाब के गुरुपोस्ट के पास मिली पाकिस्तानी नाव, बीएसएफ ने नाव जब्त करके तलाशी अभियान शुरू की। गुरदासपुर में भी देखी संदिग्ध गतिविधियां, पूरे इलाके में अलर्ट जारी। पीओके में चल रहे आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के लिए भारतीय सेना ने बनाया प्लान। केंद्र सरकार से मांगा 6 महीने का समय, आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने का किया दावा। प्रधानमंत्री मोदी इस बार लखनऊ में कर सकते हैं रावण का वध, ऐतिहासिक ऐशबाग रामलीला समिति ने किया निमंत्रित। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर भी रहेगी नजर। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये से बैकफुट पर आया कर्नाटक। तमिलनाडु के लिए देर रात को छोड़ा कावेरी का पानी। दिल्ली में सड़कों पर उतरे AIADMK के सांसद। और भारत न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज पर से हटे संकट के बादल। लोधा समिति ने BCCI का बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होने की दी जानकारी। BCCI के रोजमर्रा के लेन देन पर रोक नहीं लगाने का किया दावा। पंजाब में BSF ने रावी नदी के पास तोता गुरु पोस्ट से पाकिस्तानी नाव जब्त की है। गुरदासपुर में संदिग्ध गतिविधियां दिखने के बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दी है। उधर जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। आज सुबह 5 बजे से ही पाकिस्तान की ओर से नौशेरा सेक्टर के कलशिया गांव में फायरिंग शुरू हो गई थी। उरी हमले के बाद भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान भारत पर अटैक कर सकता है। खुफिया एजेंसियों की जानकारियों के अनुसार पाकिस्तान ये हमला LOC या सीमावर्ती इलाकों में ना करके भारत के भीतरी इलाकों में कर सकता है। UK में 6 आतंकी लॉन्च पैड के खात्मे के बाद अब भारतीय सेना ने सरकार से कहा है कि वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से 6 महीने में आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक खुफिया रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की एक टीम को विशेष तौर पर भारतीय सैनिकों का सिर काटने के लिए तैयार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक बीते हफ्ते सेना के सर्जिकल स्ट्राइक को सबके सामने लाया गया। इसके बाद सेना ने सरकार से कहा है कि इस तरह के स्ट्राइक आतंकवादियों की क्षमता पर असर नहीं डालेंगे। अगर आतंकवाद का पूरी तरह खात्मा करना है तो इसके लिए एक अभियान चलाने की जरूरत है। सशस्त्र बल के एक आर्म्ड फोर्सेस स्ट्रेटजिस्ट ने भी सरकार से कहा है कि हमें कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के बदले के लिए तैयार रहना होगा। बारामुल्ला में रविवार को BSF कैंप पर हमला किया था, उसी तरह कश्मीर के दूसरे हिस्सों में भी आतंकवादी हमला हो सकता है। भारतीय सेना का मानना है कि पाकिस्तान में आतंक के आका सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बदला लेने की तैयारी में है। इसके लिए POK में और लॉन्च पैड्स बनाए जाएंगे जिन्हें खत्म करने की जरूरत है। भारत द्वारा नियंत्रण रेखा में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक का रूस ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हर देश को अपना बचाव करने का अधिकार है। भारत में रूसी राजदूत ने कहा कि सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का उल्लंघन तब होता है जब सैन्य प्रतिष्ठानों और शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे लोगों को निशाना बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार उसके आदेश की अवहेलना करने पर सफाई देने के लिए कहे जाने के बाद कर्नाटक ने कल देर रात को पड़ोसी तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी से कुछ पानी छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई आज होगी। कर्नाटक ने हालिया दिनों में 2 बार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना की है जिसमें उन्हें तमिलनाडु के किसानों के लिए पानी छोड़ने को कहा गया था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार का कहना है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए पहले अपने किसानों और राजधानी बेंगलुरु समेत अन्य मेट्रो शहरों की जरूरतें पूरी करना आवश्यक है जो पीने के पानी की कमी से जूझने जा रहे हैं। कल रात सिंचाई मंत्री MB पाटिल ने कहा कि कर्नाटक और सीमा के पार के किसानों के लिए कुछ पानी छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य के हितों की रक्षा की जाएगी, लेकिन साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और जुर्माने के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि स्वास्थ्य सचिव चंद्रकर भारती कई मीटिंग में कहने के बावजूद शामिल नहीं हुए और ना ही मंत्री से मिलने के लिए उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने हलफनामे में कहा है कि सचिव उपराज्यपाल को रिपोर्ट करने में विश्वास रखते हैं, ना कि मंत्री को। सत्येंद्र जैन ने अपने हलफनामे में उपराज्यपाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंत्री के मना करने के बावजूद उपराज्यपाल ने
स्वास्थ्य सचिव बनाया। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने हलफनामे में ये भी कहा कि भारती ने मोहल्ला क्लिनिक को स्थापित करने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने छुट्टी पर जाने से पहले मुझसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा और यहां तक कि बिना मेरी इजाजत के छुट्टी पर चले गए। मुझे बाद में उपराज्यपाल के दफ्तर से पता चला कि वे 5 सितंबर से 15 सितंबर तक के लिए छुट्टी पर गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इस बार लखनऊ में दशहरा मनाएंगे। ये पहली बार होगा जब पीएम दशहरा के मौके पर लखनऊ में होंगे। वे ऐशबाग रामलीला में उपस्थित रहेंगे। अपने 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली के सुभाष मैदान में दशहरा मनाया है, लेकिन इस बार वे 11 अक्टूबर को लखनऊ में रहेंगे। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए पीएम के लखनऊ में दशहरा मनाने को यूपी चुनाव की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीते साल दशहरा के मौके पर पीएम मोदी को आमंत्रण देने के विरोध में कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल ने रामलीला मैदान कमेटी के मुख्य संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया था। जेपी अग्रवाल नहीं चाहते थे कि पीएम मोदी को दशहरा पर बुलाया जाए। साल 2014 में भी कमेटी ने पीएम मोदी को दशहरा पर नहीं बुलाया था। उनके बजाय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को न्योता भेजा था। इससे पहले रावण का पुतला जलाने के दौरान प्रधानमंत्री रामलीला ग्राउंड आते रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल जिला प्रशासन से अनुमति न मिलने के बावजूद मुरादाबाद में रोड शो किया। इसके बाद मुरादाबाद पुलिस ने जिला कांग्रेस के 6 नेताओं पर धारा 144 तोड़ने का मामला दर्ज किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इलाहाबाद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपतियों के खिलाफ जांच कराने का फैसला किया है। इसके लिए मंत्रालय ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से निर्देश देने का अनुरोध किया है। अमेरिका ने अलेपो में रूस की भारी बमबारी में सैकड़ों नागरिकों के मारे जाने के बाद उसे सीरिया पर वार्ता स्थगित कर दी है। सीरियाई शहर अलेपो में रूस और सीरियाई फौज हवाई हमले कर रही है। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के प्रमुख अबू बकर अल बगदादी के खाने में कथित तौर पर जहर मिला दिया गया। इसके बाद से उसकी हालत गंभीर है। एक अखबार की आई रिपोर्ट के मुताबिक निनेवे के बेयाज जिले में बगदादी और आईएस के 3 अन्य कमांडरों के लिए बने भोजन में कथित तौर पर जहर मिला दिया गया था। लोधा कमेटी के चीफ जस्टिस आरएम लोधा ने साफ किया है कि भारत न्यूजीलैंड सीरीज पर कोई खतरा नहीं है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के खाते भी फ्रीज नहीं कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के रोजमर्रा के लेन देन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। उन्होंने बताया स्टेट एसोसिएशन को ज्यादा फंड देने के लिए बीसीसीआई को मना किया गया है। किसी भी खेल या सीरीज को रद्द करने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। उन्होंने कहा कि हमने जो निर्देश जारी किया है वो स्टेट एसोसिएशन को बड़ा फंड नहीं देने का है। रोजमर्रा के खर्चे को लेकर कोई निर्देश नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा हमारी ईमेल में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, वो शायद इसको सही तरह से नहीं समझ पाए हैं। वही चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर उन्होंने कहा अगर चैंपियंस ट्रॉफी का कार्यक्रम 1 साल पहले ही बन चुका है तो हमारी सिफारिशों का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले सोमवार की शाम को खबरें आई थी कि लोधा कमेटी के बैंकों को बीसीसीआई के खातों को फ्रीज करने के निर्देशों के बाद न्यूजीलैंड का जारी भारत दौरा रद्द हो सकता है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।